मेरा नाम टिकमा राम है, मैं बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान ही मैं नाइट में घर पे आ रहा था, उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट हुआ था 7 अगस्त की नाइट में 10 बजे के लगभग। एक्सीडेंट होने के बाद मैं सारे घंटे तक मैं उधर बेहोश रह गया। बेहोश होने के बाद में जब मेरे को होश आया तब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं पूरी नाइट तक उधर ही रोड पर ही पड़ा रहा, और सुबह मेरे को वहाँ से 7 बजे वहाँ बाड़मेर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस 4 घंटे तक मैं बेहोश रहा। 4 घंटे के बाद मेरे को होश आया। होश आने के बाद मेरे हाथ और पैर दोनों ही काम नहीं कर रहे थे, और मेरे पास में मोबाइल था, मोबाइल से भी मैं बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मोबाइल के बटन नहीं दबा पा रहा था मैं। उसके बाद मैं रात को उधर चलाया भी था, लेकिन नाइट के टाइम था और कोई लोग ने मेरे को देखा नहीं, इसलिए मॉर्निंग में 6 बजे कोई बंदा आया, उसने मेरे को देखा। और तो उसके बाद में उसने मेरे को रोड के ऊपर पे लाने में मेरी हेल्प की, और उसके बाद में इधर उधर से काफ़ी लोग हो गए, और 7 ही बजे मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में लाया गया। और वहाँ मेरा चेकअप किया गया तो डॉक्टरों को भी ये मालूम नहीं पड़ा कि भाई इनको स्पाइन इंजरी हो गई है। डॉक्टरों ने देखा कि भाई ये रात पूरी रात इधर पड़ा हुआ है, इसलिए इनको कोई दिक्कत है। और फिर मेरा चेकअप भी किया गया, एक्सरे किया करवाया गया मेरा, और बाकी नॉर्मल ब्लड चेकअप किया गया, तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में 1 बजे के लगभग मेरे पूरे फ्रेंड्स और फैमिली वाले सब एकत्रित हो गए, तो इन्होंने मेरे को जूस पिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ पिलाया, लेकिन पेशाब आने बंद हो गए थे मेरे, क्योंकि उस दौरान किडनी भी काम करना बंद करी, दोनों किडनियाँ भी जब काम करना बंद करी था। तो इन्होंने बोला कि यार अभी तक आपको पेशाब क्यों नहीं आया, मेरे कहा मेरे को मालूम नहीं कैसे नहीं आया। फिर उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया तो मेरे पैर दोनों काम नहीं कर रहे थे, तब सब लोगों को मालूम पड़ गया इनके पैर काम नहीं कर। फिर ये वापस गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, देखा पैरों के अंदर चाबी चुभोड़े के प्रयास किया, मेरे को बोला, मैंने कहा मेरे को महसूस नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉब्लम की चीज़ है, आप यहाँ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, या कोई व्यवस्था नहीं है, या तो आप जोधपुर जाइए या फिर अहमदाबाद जाइए। तो फिर मेरे को किसी ने उधर से सजेस्ट किया कि आप मेहसाणा चले जाइए, मेहसाणा में एक स्पाइन डॉक्टर है। तो हम उधर से हम शाम को 6 बजे वहाँ से निकल मेहसाणा के लिए निकल गए, और रात में 2:30 बजे मेहसाणा पहुँचे। वहाँ डॉक्टर साहब से मिलना तो रात में दुआ नहीं, मॉर्निंग में आए वो, तो उधर देखा तो हम उनकी सेवाओं से सेटिस्फाई नहीं हो पाए। हमारे को लगा कि डॉक्टर जब 24 घंटे में एक बार देखने के लिए आया है और ये पोजिशन है, फिर हमारे नहीं हो पाई मेरी। फिर उसके बाद में फिर हमारे कोई रिलेटिव डॉक्टर था, उनसे हमने कंसल्ट किया कि भाई ये प्रॉब्लम है और अभी कोई इसका कोई समाधान नहीं है, और जाए तो जाए कहाँ, ये भी हमारे को मालूम नहीं था कि कौन से हॉस्पिटल जाए तो हमारे को बेटर से सर्विस मिलेगी। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप सेल्फी करके हॉस्पिटल है, उधर आप चले जाइए, उधर आपको सर्विस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम वहाँ से इधर आए, इधर आए तो वैसे फ़ोन पर हमारी पहले डॉक्टर विराल शाह से बात हो गई थी, तो वो उस दौरान बोला कि आप इमरजेंसी में जाइए, मैं तुरंत आपके पास में आ रहा हूँ। और वह एडमिट होते ही 10 मिनट बाद में वो सवाल डॉक्टर साहब आ गए मेरे पास में, मेरे को देखा, उसके बाद मेरी एम आर आई कराई, सोनोग्राफी कराई, जो भी चेकअप करवाना था वो करवाया। करवाने के बाद मेरे को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में फिर उसके बाद में ये पाया गया कि भाई किडनियाँ काम नहीं कर रही, तो फिर बोला गया कि पहले तो किडनी का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद में स्पाइन का जो भी है वो उसका बाद में करेंगे। किडनी का मेरा डायलिसिस किया गया 3 बार, 3 बार डायलिसिस करने के बाद में किडनी मेरी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद में फिर 19 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद में मेरे को 2 दिन आईसीयू में भी रखा गया, और उस दौरान मेरे को निमोनिया भी हो गया साथ में, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही थी तो फेफड़ों में पानी का भरा हुआ, तो उसकी वजह से फिर मेरे को वापस रिपीट 3 दिन और आईसीयू में रहना पड़ा। उस दौरान मेरी बहुत हालत बहुत सीरियस हो गई थी, घर वालों ने भी ये सोच लिया कि अभी बहुत कम चांस है आदमी बचने के, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल की तरफ से भी अच्छा प्रयास किया गया, और ऊपर वाले के दिन अच्छे थे, इसलिए मेरे भी इम्प्रूवमेंट अच्छा अच्छा होता शुरू हो गया। फिर उसके बाद में मेरा ये ट्रीटमेंट विराल साहब और सक्सेना साहब दोनों ने दे रहे थे, और उसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस करना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं उस दौरान तो मैं चारपाई पर लेटा हुआ पड़ा रहा था, तो करवट तक नहीं ले सकता था, करवट नहीं ले सकता था, तो हॉस्पिटल का स्टाफ 3-4 जने इकट्ठे होकर के मेरे को इधर मूव करते, बाकी इधर मूव करते,
लेकिन आज मेरी पोजिशन ये है कि आज मैं अपने आप मेरे पैरों पर खड़ा हो जाता हूँ, चल कर सकता हूँ, 3-4 किलोमीटर में घूम जाता हूँ, वो कर जाता हूँ, फिर मेरे हाथ भी काम कर रहे हैं। अभी मैं खाना अपने आप खाता हूँ, अभी पहले मेरे खाना मेरे घर वाले खिलाते थे, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले खिलाते थे, फिर मैं मेरा खाना अपने आप खाता हूँ। मेरा मतलब मेरी खुद की जो दैनिक जो एक्टिविटी वो मैं खुद अपने आप कर लेता हूँ, उसमें अभी दूसरे की किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अभी अब भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी मैं ये वैन कौन सी दबी है, स्पाइन जो मस्तिष्क से आती है, जो नीचे जाती है, जो मेरे यहाँ गर्दन की यहाँ दब गई थी और उसी वजह से प्रॉब्लम हुई जैसा होता है। और ऑपरेशन भी मेरे यहीं पर किया है। बराबर है, लाइट के अंदर है ना, इसमें बराबर होता है, ठीक है, घूम जाओ।